नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होगा। तो फाइनल दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू छठ पूजा के स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्रेलर, जो कि ये छठ पूजा के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। और मैं जो वीडियो डाला छठ पूजा का वो ओल्ड वीडियो था, ठीक है, मतलब कि तीन लेकर इस सीजन में डाल चुका हूँ। तो आप लोग पुराना वीडियो मेरा नहीं देखे हो तो चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आप लोग को टॉप लेवल की स्टेटस मिलेगा मेरे चैनल पर, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉन्ग बीटमर और सेकंड पर वीडियो रिसीव मिल जाएगा, दोनों का इंपोर्ट कर लेना है। और आप लोगों को फुल प्रोजेक्ट हर तरह मतलब वीडियो मिलता है, उस तरीके से इसको भी फुल प्रोजेक्ट रेडी मिलेगा आपको। बस जो मैं बताऊंगा वही आप लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले छठ पूजा सॉन्ग बीट मार्क में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों को इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि बैकग्राउंड देखने में कुछ नया मिल जाएगा और कुछ इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को नया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बस वही करिए, ठीक है। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, रेड वाला जो भी लेयर है इस पर क्लिक करना है, कलर पर जाना और यहाँ पे एक स्टार वाला आइकन होगा जो कि 11-12 लिखा होगा, आप यह 11-12 पर क्लिक कर सकते हैं, स्टार वाले पर क्लिक कर सकते हैं, कहाँ जहाँ मन करे कहाँ क्लिक करिएगा। आप लोग यहाँ पर फोल्डर खुल जाएगा, यहाँ पर फोल्डर का नाम होगा, यहाँ पर क्लिक करके जहाँ पर भी डाउनलोड करके रखें आप जितने भी छठ पूजा का फोटो आप लगा सकते हैं, या अपना आपको बनाना चाहते तो आप भी अपना लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे, यहाँ पर फोटो आप लोग को शो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो रेड वाला जो दिख रहा है आपको इसको क्लिक करना है और सेम प्रोसेस से कलर पे जाके आप क्या करेंगे 11-12 पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोटो आपको दिख रहा है इस तरीके से, बट इसमें इफेक्ट को आप लोगों को सही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फोटो दिखेगा नहीं, ठीक है। करना क्या है, ये फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऊपर की स्क्रॉल करना है, आप लोग का एक इफेक्ट मिल जाएगा रिंग करके, ठीक है। आप इसको बंद करिएगा, जैसे बंद करिएगा इफेक्ट आप लोग को शो हो जाएगा, ठीक है। आप ये करना है इस वाला का, देखिए इसको और इसको इसको इसको, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है, चार लेयर, ठीक है। चार लेयर क्या करेंगे, यहाँ पर डबल आइकन होगा इसको क्लिक करना, कॉपी फोर लेयर से ऑप्शन मिलेगा इसको क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा। फिर अगले बिट पे जाना 2.21, ठीक है, इस पर क्लिक करना और डबल से क्लिक करके जैसे आप कॉपी किए थे इसके नीचे ही पेस्ट कर आ जाएगा, ठीक है। पेस्ट करेगा आप लोग का यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग क्या करना है, पेस्ट करना है, फिर से अगला वीडियो अगर पेस्ट करना है, पेस्ट करते हुए आगे आप लोग का डबल बिट दिख रहा है यहाँ पर 7.19, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कर लेना, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर आइएगा, फिर से रेड वाला क्लिक करके कलर पर जाके यहाँ पर क्लिक करके फोटो रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब आगे आप लोग करना क्या है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना, बैक करना, ठीक है। सेकंड में आना है और सेकंड में आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लेयर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, लेयर पर बस पूरा यहाँ पर सेलेक्ट ऑल लेयर से ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करना है, डबल से क्लिक करें, कॉपी 33 लेयर, ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है 33, ठीक है। अब यहाँ करना है छठ पूजा सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक करना, अब हम जैसे बता रहे हैं आगे करना, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर आना है 9.10 तक, ठीक है। आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर डबल से क्लिक करके आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करेगा तो आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पर पूरा मेरा लेयर जो दिख रहा है आप लोग को एकदम बीट के हिसाब से सेट हुआ देखने को मिल जाएगा, कहाँ तक आप लोग को, तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और जितने भी रेड जो लेयर आप लोग को दिख रहा है सारे में फोटो को रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है, जितना रेड है, ठीक है। और जो ये वाला लेयर है इसमें कुछ नहीं करना है, जितना लेयर है रेड लेयर में सब आप लोग को कर लेना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर अब आप आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइएगा 19.09 और इसमें आप लोग मान के चलिए कि फ़ोटो रिप्लेस कर चुके हैं, यहाँ पर मेरे बात ध्यान से किया 19.09 आइएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर आप लोग इस तरीके से पांच लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर करिए कॉपी 5 लेयर, ठीक है। आगे आइएगा अगले बिट पर और यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट करिएगा, ये बिट आप लोग को सेट करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो दोनों लेयर है, ठीक है, आप लोगों को दोनों को इधर खींच लेना है और ये लेयर को आप लोग को क्या करना है, स्पीड आइकन मिल कर कट कर लेना है और ये लेयर को आप लोग को यहाँ पर इसको इधर से मिला देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग को लास्ट तक ऐसे मिला लेना है, ठीक है। कैसे, बस ये क्लिक करना है, पेस्ट करना है, ये दोनों लेयर को आप लोग को यहाँ पर ये वाला बीट पर सेट कर देना है और ये वाला बीट को आप लोग को कट कर देना है बड़ा होगा तो, और इसको आप लोग को इधर कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से करके आप इसको खींच के और ये देखिए बड़ा होगा तो आप इसको कट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लास्ट तक कर देना है, जब ये लास्ट तक कर दीजिएगा तो उसके बाद सारे में फ़ोटो रिफ्लेक्ट कर लिए होंगे तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, वीडियो रेडी हो गया। देखिए आप लोग का 3 से 4 मिनट वीडियो रेडी हो जाएगा, शेयर गैम क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी वीडियो को क्या जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कराए, ठीक है। और नेक्स्ट सॉन्ग आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक और वीडियो के लिए, जय हिंद जय भारत।